अच्छा, लोगों के द्वारा जानकारी ये मिल रही है कि 22 लोगों को इंजेक्शन लगा के और डॉक्टर बेहोशी हालत में छोड़ के भाग गए, इसमें आपका क्या कहना हाँ, है? उसमें ये है कि जब डॉक्टर सतना से आए थे, सर्जन एमएम पांडे, हमने उनको बताया था कि सर इतने केस हैं। जी हाँ, तो उन्होंने बोला कि, हमने बताया 15 से 20 केस हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप रेडी रहिए उनको करके, हम आ रहे हैं। जी तो हमने उस हिसाब से प्रिपरेशन करा दिया उनका, जी बट यहाँ आके वो 10 केसेस को करके चले गए। हमने उनसे रिक्वेस्ट ये किया, मैं खुद ओटी में गया अंदर, मैंने बोला सर कि इतने केसेस हैं ऐसे ऐसे, तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब इतने ज़्यादा केस हो रहे, तो मैंने कहा इस बार कर दीजिए अगर आ गए हैं, क्योंकि माता लोग बार बार परेशान हो रहे हैं, इनकी रिपोर्ट बार बार आ जा रही है, तो बार बार गांव से नहीं आ पाते हैं, इतने केस हो गए हैं, तो इस बार कंसिडर कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम से अगर आप कह रहे हैं कि 10 से ज़्यादा नहीं करेंगे, तो हम 10 से ज़्यादा नहीं बुलाएंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर मैं ऊपर आ गया इधर, और वो बाद में मुझे सूचना मिली कि डॉक्टर साहब 10 केस करके चले गए। तो सर, जो बेहोशी हालत में महिलाएं पड़ी हुई हैं, उनके साथ क्या किया जाएगा? बेहोशी के लिए कोई वो नहीं है, एक डाइजीपाम लगा है, वो 1-1.5 घंटे में होश में आ जाती है, तो आ जाएंगी, और उनको हम यथा स्थान पर अभी यहाँ रखा है, कुछ देर बाद घर भेज देंगे, उनको हमने व्हीकल बुलाया है, और नेक्स्ट टाइम में जब होगा तब बुलाएंगे उनको, अब जैसे चल कि जो जाएंगे। हितग्राही आए हुए थे यहाँ, वो जमीन में लेटे हुए हैं, तो क्या अपने यहाँ बेड की व्यवस्था ही नहीं है क्या? बेड की व्यवस्था है, जब वो ऑपरेशन में गए थे तो उनकी आशाओं ने लेटा दिया होगा उसको, तो बेहोशी की तो अवस्था में क्यू में लगा के रखते हैं, तो कोई बैठा है पहले या खड़ा है, तो बैठ गया होगा, लेट गया होगा, अभी भी महिलाएं लेटी हुई हैं, इस टॉपिक में आपका क्या कहना है? तो लेटी है तो हम भिजवा रहे हैं ना उनको घर पे, 1-1.5 घंटे में होश में आ जाएंगी वो, अब सर्जन छोड़ के चले गए यहाँ से, तो अब मैं क्या करूँ। आपने क्या किसी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को हाँ सूचना दी? बताया हमने, डॉक्टर चरण सिंह से बात हुई हमारी, तो उन्होंने बोला कि हम सर्जन से बात करते हैं और फिर बताते हैं क्या। सीएमएचओ साहब को जानकारी है क्या इस चीज सीएमएचओ की? साहब को मैं 2 बार कॉल लगा चुका हूँ, कॉल पिक नहीं हुआ हूँ। अच्छा, कॉल रिसीव नहीं हुआ। और सर, एक जानकारी और आ रही है बाहर से कि आपके यहाँ एक पेशेंट है जो कि प्रसूता लेके आया था, दोपहर 12 बजे से हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा, और उसको यानी पर्ची एडमिट पर्ची नहीं बन पाई, और लास्ट में ये सिचुएशन हुई कि उसका बच्चा भी खत्म हो गया। बच्चा उसका मैसेरेटेड है, पहले से ही खत्म हो चुका, गला हुआ सड़ा हुआ बच्चा आया है, और वो 12 बजे से नहीं घूम रहा है, 2-2.5 बजे हमारे पास आया है, बच्चे को निकाला गया है, बच्चा मैसेरेटेड ही था, और माँ को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया भी गया है, माँ हमारे यही डॉक्टर आई हैं, माँ सुरक्षित है। तो ये कब आई हैं आप? आज 12 बजे आए। अच्छा, तो यहाँ परिवार नियोजन का कैंप भटक गया, तो आप आशा कार्यकर्ता हैं? जी हाँ। कितने मरीजों को लेके आई थी? 2 केस लेके आई थी, गीता केवट और मीना कोल को। अच्छा, तो इंजेक्शन कब लगा था? इंजेक्शन लगा है 1 घंटे बाद, 1:30 बजे, 2 बजे लगा। 2 बजे तो डॉक्टर का यहाँ पता नहीं है? गाय के चले आए हैं, 10 केस किए हैं, 12 केस के बाद छोड़ के चले गए, 12 केस ऐसे पड़े हैं, 10 केस के बाद बोले कि हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, अब 12 केस यहाँ लेटे हैं। कौन डॉक्टर आया था? अरे यार, तुम पटे हाँ, तुम लोग यार पीछे से निकल पांडे करके आए थे, हैं पांडे करके कोई आए थे, आपको उनका नाम नहीं पता? कौन से पांडे? कौन से पांडे? एक मिनट, आपका नाम क्या है? कबीर शुक्ला। हैं कबीर शुक्ला। कहाँ से हैं? भैया वाले।